जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सरकार ने 6 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की है कि इसके लिए एक जुलाई के महीने में फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में एक कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हिंदी विषय को लेकर अपना करियर बनाना चाहते होंगे आगे 12th के बाद, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि हम हिंदी विषय को लेकर अपना करियर कैसे बनाएं, क्या क्या करियर में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या नए अवसर मिलेंगे आपको हिंदी विषय की पढ़ाई करने के बाद। तो इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे, हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी विषय के साथ सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में और बैंकिंग के क्षेत्रों में क्या क्या अवसर आपको उपलब्ध होते हैं। तो आज का जो विषय है वह हिंदी विषय के साथ करियर और रोजगार के अवसर पर मेरा यह वीडियो आधारित है। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में ही हिंदी के साथ समान अवसर उपलब्ध हैं। अगर आप हिंदी विषय के साथ ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब बीए करते हैं, एमए करते हैं, तो क्या क्या अवसर आपको मिलेंगे आगे, आइए देखते हैं। यदि केवल हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं तो शासकीय क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसर, करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको केवल हिंदी भाषा का ही ज्ञान है और अंग्रेजी में आपकी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, तब आप हिंदी विषय के साथ क्या क्या कर सकते हैं ये देखिए। पहला तो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर के आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। संघ लोक सेवा के द्वारा जो यूपीएससी के द्वारा परीक्षा के द्वारा आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि पदों के लिए चयनित हो सकते हैं। वहीं राज्य सरकार के द्वारा जो पीएससी परीक्षा आयोजित की जाती है या पीसीएस, उसके द्वारा आप डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट तक के लिए चयनित हो सकते हैं। मतलब स्नातक के पश्चात, ग्रेजुएशन के पश्चात आप हिंदी विषय लेकर यूपीएससी अथवा स्टेट पीएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं और प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। तो यह सबसे बड़ा अवसर है शासकीय क्षेत्र में। दूसरा अवसर आपको मिलता है यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करके शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के रूप में। तो यह भी बहुत ही बढ़िया अवसर है आपके लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, ये लोग बाद में कुलपति के पद तक चले जाते, पद तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो यह आप कर पाएंगे स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद, एमए पास करने के बाद। एमए उत्तीर्ण करने के बाद यदि आपका 55% से अधिक है जनरल कैटेगरी में, सामान्य वर्ग में, और अदर्स में 50% से अभाव है, तब आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं, है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। और इसकी परीक्षा उत्तीर्ण करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर बन सकते हैं कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में। और नेट यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है इसके लिए मैं आप एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो यह दूसरा अवसर जो आपको मिलता है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर, जिसको व्याख्याता भी कहते हैं, यह अवसर आपको मिलता है। दूसरा अवसर शासकीय क्षेत्र की बात बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जो तीसरा अवसर आपको मिलता है यह भी बहुत प्रसिद्ध है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी, हिंदी में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करके, और बीएड तो आपको करना ही पड़ेगा, इसको उत्तीर्ण करने के पश्चात आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी, है ना, स्नातक शिक्षक बन सकते हैं हिंदी विषय के साथ। चौथा है केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी हिंदी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करके। केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप पीजीटी बन सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको ये तीन अवसर उपलब्ध होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पीजीटी बन सकते हैं, टीजीटी बन सकते हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बन सकते हैं। बीएड तो जरूरी है ही, और कुछ एग्जाम जरूरी है तो आपको वहाँ पर जाकर नोटिफिकेशन में जाकर आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ यदि कुछ और अर्हता अगर अपेक्षित है, आपको जितने भी बातें मैं बता रहा हूँ इनकी जो वैकेंसीज है वह रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आती है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं डिटेल्स में, और आप शुरू से ही देखना चालू कर दें। तीसरा आकाशवाणी, जिसको आप ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते हैं, और दूरदर्शन में उद्घोषक और समाचार वाचक के रूप में,
उद्घोषक मतलब जो उद्घोषणा करते हैं, जो एंकर होते हैं, जो कंपेयरर होते हैं उसके रूप में, और समाचार वाचक के रूप में। एंकर एंड न्यूज़ रीडर के रूप में आपको एक अवसर मिलेगा, ये भी शासकीय क्षेत्र है ना, प्रसार भारती के अंतर्गत। इसके लिए आपके पास हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यदि आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें जरूरी होती है, आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए और आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होना चाहिए। और इसके बाद आप आकाशवाणी और दूरदर्शन में समाचार वाचक या उद्घोषक बन सकते हैं। तो ये तीसरा अवसर है प्रसार भारती के अंतर्गत, ये भी शासकीय क्षेत्र है। तो मैं ऊपर में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र क्षेत्र बताया हूँ आपको, जिसमें केवल हिंदी का ज्ञान अपेक्षित होता है ना। थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो हम सबको आती है, लेकिन हिंदी में आपकी ज़्यादा पकड़ है तो वह क्षेत्र आपके लिए। और दूसरा है, यदि यदि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान है तो शासकीय क्षेत्र में असीमित अवसर करियर उपलब्ध हैं। जैसे कि यदि हिंदी के साथ साथ आपकी अंग्रेजी में भी पकड़ बहुत अच्छी है, अंग्रेजी भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, तो आपके पास असीमित अवसर हैं। मतलब आप देखिए कितने ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। तो पहला क्या है, कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा में भाग लेकर केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में CSOLS के अंतर्गत कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी बन सकते हैं और राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन निदेशक के पद तक पदोन्नत हो सकते हैं, डायरेक्टर। तो बहुत ही ऊंचाई तक जा सकते हैं आप। SSC के द्वारा जो भर्ती परीक्षा होती है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के लिए, लेकिन इसके लिए योग्यता जरूरी होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन में आपका हिंदी विषय है तो PG आपका अंग्रेजी में होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन में हिंदी अंग्रेजी आपका एक सब्जेक्ट रहा है तो PG में हिंदी होना चाहिए, और साथ ही आपको PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, आपके पास इसकी उपाधि होनी चाहिए, PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। तो या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, मतलब PG एंड PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। तो यहाँ आप केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा गृह मंत्रालय में आप निदेशक डायरेक्टर के पद तक पदोन्नत हो सकते हैं, एक कनिष्ठ अधिकारी के रूप में भर्ती होकर के। इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा में भाग लेकर अधीनस्थ कार्यालय, उसी परीक्षा के द्वारा इसके लिए भी नियुक्ति होती है, अधीनस्थ कार्यालय जिसको हम सबॉर्डिनेट ऑफिस कहते हैं, में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी बन सकते हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यहाँ भी आप बन सकते हैं, और केंद्र सरकार के अधीन उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज के पद तक पदोन्नत हो सकते हैं। तो ये भी उसी एग्जाम से भी हो जाता है, दोनों दोनों परीक्षा एक साथ ही हो जाती है प्राय। उसमें आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि आपको सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में जाना है कि सबॉर्डिनेट सर्विस में जाना है, और वो आपके अंकों के ऊपर निर्भर करता है कि आपके आपके च्वाइस का कैडर मिलता है कि नहीं मिलता है। ये वांछित योग्यता क्या है, हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर। अगर हिंदी में आपके ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट है तो PG में आपको इंग्लिश होना चाहिए, और यदि ग्रेजुएशन आपने अंग्रेजी के साथ किया है तो PG आपका हिंदी में होना चाहिए और PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होना चाहिए। ये देख लीजिए बहुत जरूरी चीज़ें। तीसरा अवसर है, इसमें भी लगभग ये जितने भी मैं बता रहा हूँ उसमें लगभग वही योग्यता अपेक्षित होती है, PG एंड PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। भारतीय संसद लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय में इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मतलब दुभाषिया, बड़े अधिकारी होते हैं ये, एडिटर, रिपोर्टर, अनुवादक, प्रूफ रीडर इत्यादि के पद पर भर्ती हो सकते हैं, है ना। इनके लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय के लिए रोजगार समाचार में वैकेंसी निकलती है। इसके लिए परीक्षा आवश्यकता अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। तो रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज आप देखते रहें तो उसमें यह वैकेंसी निकलती है। केंद्र सरकार के विदेशी दूतावास में आपको हिंदी से संबंधित पदों पर नौकरी मिल सकती है। फॉरेन एम्बेसीज जो होते हैं विदेश में, जो हमारे दूतावास हैं, वहाँ पर भी आपको हिंदी से संबंधित कई पदों पर आपको वहाँ पर जॉब के अवसर मिलते हैं, काम के अवसर मिलते हैं। पांचवा है, भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों में, नेशनलाइज जो बैंक हैं इंडिया में, उनमें प्रबंधक राजभाषा, मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, राजभाषा अधिकारी, हिंदी अधिकारी, अनुवादक आदि पदों पर भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए बैंकों का अपना चयन बोर्ड है ना, बैंकों का चयन बोर्ड का बार बार एडवर्टाइजमेंट आते रहता है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पर आप मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज बन सकते हैं, जनरल मैनेजर के पद तक जा सकते हैं आप, महाप्रबंधक राजभाषा, बहुत बड़े बड़े पद होते हैं इनमें। छठवां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे NTPC,
एनएमडीसी, गेल, भेल, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसीसीएल इत्यादि में प्रबंधक राजभाषा, राजभाषा अधिकारी, हिंदी अधिकारी, अनुवादक आदि पदों पर भर्ती हो सकते हैं। इनके भी चयन का अपना तरीका है, अपना बोर्ड है। तो यहाँ पर भी आप जनरल मैनेजर मतलब महाप्रबंधक राजभाषा के पद तक आप पदोन्नत हो सकते हैं। तो सरकारी क्षेत्रों में यदि अगर आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी आपको अच्छा ज्ञान है तो आप बहुत ही ऊंचाई तक जा सकते हैं अपने करियर में। इसके बाद जो सातवां है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजभाषा अधिकारी, हिंदी अधिकारी, अनुवादक आदि पदों पर भर्ती हो सकते हैं। इनके लिए इनका अपना चयन बोर्ड है, मतलब ये लोग भी अपना इंटरव्यू आयोजित करते हैं या फिर परीक्षा आयोजित करते हैं। तो केंद्र सरकार के जो विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहाँ पर भी राजभाषा हिंदी के पद होते हैं, जैसे राजभाषा अधिकारी, हिंदी अधिकारी, अनुवादक आदि। तो वहाँ पर भी आप परीक्षा दे करके या फिर इंटरव्यू दे करके वहाँ पर चयनित हो सकते हैं। आठवां अवसर क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन में राजभाषा अधिकारी, हिंदी अधिकारी, अनुवादक आदि पदों पर भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए इनका अपना भी चयन बोर्ड है। तो यह भी अपना अपने हिसाब से परीक्षा आयोजित करते हैं, इनका अपना चयन बोर्ड है, अपनी भर्ती का तरीका है। इसके बाद आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं में है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंध संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इन संस्थानों में भी राजभाषा अधिकारी, हिंदी अधिकारी, अनुवादक आदि पदों पर भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए इनका अपना चयन बोर्ड है, इनके भर्ती का तरीका भी अपना अलग होता है। और इसके बाद क्या होता है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में अनुवादक के पद पर भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा समय समय पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के लिए अलग से पद होते हैं, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक, ऐसे पद वहाँ पर होते हैं। तो SSC के द्वारा परीक्षा देकर यहाँ पर भी चयनित हो सकते हैं, अगर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अच्छा अधिकार है तो। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपका अधिकार है, आपका अच्छा कमांड है, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, करियर की संभावनाएँ बहुत ही अधिक है। ये 11वां भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों, IAS वगैरह की जो ट्रेनिंग होती है मसूरी में होती है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है यहाँ पर, यहाँ शास्त्री लिखना छूट गया है। तो लाल बहादुर प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासनिक अकादमी मसूरी में है ना, तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में भी हिंदी भाषा प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। इसके लिए संघ लोक सेवा UPSC द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। वहां पर जितने भी IAS ऑफिसर्स वगैरह हैं और अन्य ऑफिसर्स जिनकी वहां पर ट्रेनिंग होती है, उनको हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वहां पर भी आप ट्रेनर के रूप में, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के रूप में वहाँ पर भर्ती हो सकते हैं हिंदी के। और ये नोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखें, ऊपर जो भी पद उल्लिखित हैं उनमें हिंदी अथवा अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि मतलब पोस्ट ग्रेजुएट और PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन शैक्षणिक योग्यता अपेक्षित होती है। मतलब बिना PG किए आप यहाँ पर कोई बहुत बड़े पद के लिए चयनित नहीं हो सकते हैं, तो ये हमेशा ध्यान में रखें। PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन भी आपके लिए जरूरी है। साथ ही आपको यह कहना बताना चाहूँगा, इसका अर्थ यह है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी में भी आप बहुत आसानी से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता होती है, और आप अंग्रेजी भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन दोनों ही भाषाओं में आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। अब आपको इन सभी पदों में भर्ती की सूचना कहाँ से मिलेगी, कैसे पता चलेगा कि ये वैकेंसी आई है, कब आई है, हमको कैसे अप्लाई करना है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, इन सभी पदों के लिए वैकेंसी की सूचना रोजगार समाचार, हिंदी में रोजगार समाचार बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के है ना, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित जो समाचार पत्र हैं उसमें भी हिंदी और अंग्रेजी के जो समाचार पत्र हैं उनमें यह वैकेंसी प्रकाशित की जाती है। तो यह ध्यान में रखें, जैसे ही आप 12th पास करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो रोजगार समाचार पढ़ना शुरू कर दीजिए, शुरू से ही हिंदी या फिर अंग्रेजी जिस भी भाषा में आपको पढ़ना पसंद है, तो रोजगार समाचार जरूर देखें आप, आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या अवसर आगे उपलब्ध होने वाले हैं। अभी तक आप मैंने आपको बताया कि शासकीय क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, बैंकों में रोजगार के क्या अवसर उपलब्ध हैं, तो लगभग जो मैं पहले बताया हूँ पूरे शासकीय क्षेत्र हैं। अब हम देखते हैं कि निजी क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर्स में उपलब्ध रोजगार के क्या अवसर हैं।
तो हिंदी विषय के साथ यदि आप स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि करते हैं तो केवल शासकीय क्षेत्रों में ही निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के असीमित अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन आमतौर पर हमको इनकी जानकारी नहीं होती है। मैं YouTube में भी ढूंढ रहा था, इस प्रकार का कोई वीडियो मुझे मिला नहीं, तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा मैं प्रयास कर लेता हूँ, और इसमें से यदि किसी का भी भविष्य उज्ज्वल होता है, आपको रोजगार मिलता है, आपका करियर बहुत ही उज्ज्वल होता है, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह एपिसोड कैसा लगा, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखते हैं निजी क्षेत्र में क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं। विदेशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बन सकते हैं। कई विदेशी विश्वविद्यालय हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, या फिर अन्य नेपाल या अन्य फॉरेन कंट्रीज में, बांग्लादेश में, तो वहाँ पर आप क्या है हिंदी के प्रोफेसर बन सकते हैं विदेशी विश्वविद्यालयों में भी। इसके बाद दूसरा, प्राइवेट समाचार चैनलों और टीवी में उद्घोषक मतलब एंकर, प्रेजेंटर जो प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, एंकर, न्यूज़ रीडर, प्रूफ रीडर, संवाददाता, पत्रकार इत्यादि बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपको पीजी डिप्लोमा भी करना पड़ेगा, या फिर BA MA का जो कोर्स होता है साथ में करना पड़ेगा, लेकिन पीजी डिप्लोमा भी यदि कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको रोजगार का अवसर मिल जाता है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्षेत्र है, लाइमलाइट वाला क्षेत्र है और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है अगर आपको रुचि है तो। इसके बाद तीसरा क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग PSC या PCA द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए हिंदी भाषा और साहित्य की कोचिंग संस्थान स्थापित कर सकते हैं। तो ये कोचिंग का फील्ड भी आपके लिए है, यदि आपका हिंदी में बहुत अच्छा कमांड है तो UPSC की तैयारी करवा सकते हैं बच्चों को, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है स्टेट PCS स्टेट PSC उनकी भी तैयारी के लिए आप कोचिंग दे सकते हैं अगर आपका अच्छा कमांड है तो। देखिए प्रतिस्पर्धा हर जगह है, लेकिन यदि आपने किसी खास क्षेत्र में मेहनत किया है, हिंदी के क्षेत्र में आपने बहुत ही मेहनत किया हुआ है, तो आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा का सामना आपको जीवन के हर क्षेत्र में करना पड़ेगा। इसके बाद किताबों के प्रकाशन संस्थाओं, समाचार इत्यादि के लिए प्रूफ रीडर, संपादक, अनुवादक आदि बन सकते हैं। मतलब जो किताबें छापने वाली जो संस्थाएं हैं या समाचार पत्र वगैरह हैं उनके लिए प्रूफ रीडर, संपादक, अनुवादक आदि की आवश्यकता पड़ती है, तो यह आप बन सकते हैं। इसके बाद हिंदी ब्लॉगर बन सकते हैं, हिंदी ब्लॉगर भी बन सकते हैं। अभी ब्लॉग राइटिंग हिंदी में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और इससे भी अच्छे खासे रेवेन्यूज लोगों को आ रहे हैं वहाँ से विज्ञापन के माध्यम से, तो ब्लॉगर भी बन सकते हैं। यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कोरोना के बाद से यूट्यूब चैनलों की बहुत सारी बाढ़ आई हुई है, और यदि आपको यूट्यूब में यदि आप स्तरीय सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं हिंदी भाषा में तो निश्चित रूप से आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा और आप लाखों में रुपए कमा सकते हैं अगर हिंदी भाषा में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है और आपकी सामग्री बहुत ही स्तरीय है, या बच्चों को आप ऑनलाइन टीचिंग भी दे सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, या फिर कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। टीवी और समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन लेखक बन सकते हैं। टीवी और समाचार पत्र में जो हम विज्ञापन देखते हैं या फिर विज्ञापन ऑलरेडी बना हुआ है उसका आपको अनुवाद करना है तो यहाँ पर भी अवसर है, तो यहाँ पर भी आप टीवी और समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन भी लिखने के अवसर मिल सकते हैं आपको। इसके बाद आठ, विभिन्न उत्पादों के लिए हिंदी में यूजर मैनुअल तैयार करने के लिए अथवा उनका हिंदी में अनुवाद करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जैसे कोई जर्मनी की कोई कंपनी है, जापान की कोई कंपनी है, इंडिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है लेकिन उनके यूजर मैनुअल सिर्फ अंग्रेजी में है, तो आप हिंदी में उसका अनुवाद भी कर सकते हैं या फिर हिंदी में ही उसके आप यूजर मैनुअल तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ भी प्राइवेट कंपनियों को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। नवाब फील्ड, फ्रीलांस ट्रांसलेटर, लेखक, कवि इत्यादि बन सकते हैं। यदि अंग्रेजी में भी आपका अच्छा कमांड है तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, अनुवादक बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, लेखक बनकर भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कवि इत्यादि बन सकते हैं। कविता में अगर आपकी रुचि है और आपका जो प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है तो राष्ट्रीय स्तर के आप कवि बन सकते हैं और कवि सम्मेलन में भाग लेकर भी आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। दसवां, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कोर्स करके अभिनेता, निर्देशक, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, गीतकार, डबिंग आर्टिस्ट, संवाद लेखक बन सकते हैं। फिल्मों के क्षेत्र में भी आपके पास अपार संभावनाएं हैं, है ना। विशेष रूप से अगर आप NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से अगर आपने परीक्षा वहाँ पर एडमिशन लेकर आप परीक्षा पास कर लेते हैं और आप हिंदी में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो आप एक एक्टर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, है ना।
गीतकार बन सकते हैं, स्क्रीन प्ले राइटर बन सकते हैं, स्टोरी राइटर बन सकते हैं, बहुत सारे चीज़ बन, संवाद लेखक बन सकते हैं। और फिल्मों में जो सब टाइटलिंग होता है, जैसे विदेशी भाषाओं की जो फिल्म है उसमें जो नीचे सब टाइटल चलते रहता है हिंदी या अंग्रेजी में, वो लिखने वाले वो आप लिख सकते हैं। या फिर अन्य प्रांतों में जैसे तेलुगु तमिल आदि में कोई फिल्म बनी है तब आप उसके डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं, अपनी आवाज़ दे सकते हैं एक्टर को। टीवी और समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन लेखक और जिंगल्स मेकर्स बन सकते हैं। टीवी और समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन लिख सकते हैं, विज्ञापनों का अनुवाद कर सकते हैं, या फिर जिंगल्स उनके लिए कविताएं लिख सकते हैं, जैसे तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, ये भी किसी ने लिखा होगा। और वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, आदिल मांगे मोर, कोका मतलब ठंडा कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, ये सारी बातें आप मतलब हमारे जैसे ही लोग लिखते हैं जिनका हिंदी में अच्छा कमांड होता है, तो ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और 13 कार्टून कैरेक्टर्स, ये 12वां भी इम्पोर्टेंट है, विदेशी और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिए डबिंग आर्टिस्ट और सब टाइटल लेखक बन सकते हैं। जैसे डबिंग के लिए कोई फिल्म हिंदी में डब हो रही है तो आप डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं, या फिर कार्टून कैरेक्टर्स रहते हैं उनको आप अपनी आवाज़ भी दे सकते हैं। इसके बाद विभिन्न वेबसाइटों के लिए हिंदी में कंटेंट राइटर बन सकते हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हिंदी में कोई उनको कंटेंट लिख कर दे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो यहाँ पर भी करियर की असीमित संभावना है। तो इस तरह आपने देखा यदि हिंदी माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी भाषा को आप अपने करियर के रूप में चुन रहे हैं और बहुत गंभीरता से आप प्रयास कर रहे हैं, तो शासकीय क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में और निजी क्षेत्रों में भी, फिल्मों वगैरह के क्षेत्रों में भी पर्याप्त संभावनाएं उपलब्ध हैं। और आपको बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और हिंदी के प्रति आपके मन में हमेशा स्वाभिमान और सम्मान का भाव जरूर होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि और भी बेहतरीन वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आने वाला हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।